अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। क्लास एट लेक्चर नंबर हमारा 2 है, एक्सरसाइज 2.2 का। तो उसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमने डिस्कस कर लिया था, आज हमने क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस करना है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है कि फाइंड द जनरल टर्म ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस। हमारे पास एक सीक्वेंस गिवन है, हमने क्या करना है उसके जनरल टर्म को फाइंड करना है। जनरल टर्म का हमारे पास फार्मूला गिवन है, हमें पता है, उस फार्मूले को हम यूज करेंगे। अब यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट टर्म हमारे पास क्या है, A1, और हमारे पास कॉमन रेशियो जो आर है वो किस तरह फाइंड करेंगे, सेकंड टर्म को हम फर्स्ट के ऊपर डिवाइड करवा देंगे। तो A2 डिवाइडेड बाय A1, तो 4 डिवाइडेड बाय 1 करोगे तो हमारे पास कॉमन रेशियो क्या आ जाएगी, 4 आ जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि जनरल टर्म फाइंड करने का फार्मूला क्या है, An = A r^n-1। तो अब यहाँ पे A की वैल्यू हमें पता है वहां पे 1 थी और R हमारे पास क्या थे, कॉमन रेशियो कितनी आई थी, 4। ठीक है, तो यहाँ पे हम पुट कर देंगे और ये हमारे पास क्या आ जाएगी, उसकी nth टर्म आ जाएगी। सिंपल, आपने A और R की वैल्यू को पुट करना है और यह हमारे पास क्या आ जाएगी, An की वैल्यू आ जाएगी। उसके बाद सेकंड पार्ट देखिए, 6, 12, 24, 48। अब यहाँ पे फर्स्ट टर्म हमारे पास क्या है, A की वैल्यू 6 है, कॉमन रेशियो हम किस तरह फाइंड करेंगे, सेकंड वैल्यू को फर्स्ट के ऊपर डिवाइड करवा देंगे। 12 डिवाइडेड बाई 6 किया तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2। कॉमन रेशियो 2 आ जाएगी, सेम ऊपर वाला फार्मूला आपने यूज करना है, An = A r^n-1। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, उसकी nth टर्म आ जाएगी। अब यहाँ पे भी आपने जो उसका थर्ड पार्ट है उसको भी आपने सेम इसी तरह ही सॉल्व करना है। A की वैल्यू भी हमारे पास है, R की वैल्यू भी है, और उसके बाद हम इसको इस फार्मूले के अंदर पुट कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी, उसकी nth टर्म आ जाएगी। उसके बाद फोर्थ जो पार्ट है वो भी सेम एज इट इज है, हमारे पास A की वैल्यू है 200 है, R हमारे पास क्या है, कॉमन रेशियो है, तो 100 डिवाइडेड बाय 200 करोगे 1/2 आ जाएगा। तो यहाँ पे आपने इस फार्मूले के अंदर वैल्यू पुट कर देनी तो हमारे पास क्या आ जाएगी, इसकी nth टर्म आ जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 के फाइंड द फर्स्ट 4 टर्म ऑफ द ज्योमेट्रिक सीक्वेंस में द जनरल टर्म इज गिवन। अब हमारे पास क्या है कि हर पार्ट के अंदर उसकी जनरल टर्म गिवन है, हमने क्या फाइंड करना है, उसका सीक्वेंस जो है वो फाइंड करना है। ठीक है, सीक्वेंस की फर्स्ट 4 टर्म फाइंड करनी है। तो आपने 2.1 के अंदर भी इसी तरह के क्वेश्चन किए, तो हम क्या करते थे कि n जो होता था उसकी जगह पे हम 1, 2, 3 और 4 पुट कर देते थे। तो ये हमारे पास जनरल सीक्वेंस गिवन है, तो सबसे पहले हम n की जगह पे क्या पुट करेंगे, 1, 3, डॉट डॉट, यहाँ पे क्या है, मल्टीप्लिकेशन को इंडिकेट कर रहे हैं, 2 और n की पावर क्या है, 2 की पावर n-1 है, तो n की जगह पे क्या आ जाएगा यहाँ पे 1-1। तो 2 की पावर 1-1 करोगे तो 0 आ जाएगा। आपने याद रखना है किसी भी चीज़ की जो पावर 0 होगी तो उसका हमेशा जो आंसर होगा वो क्या आएगा, 1 आएगा। ठीक है, तो अब 3 × 1 डॉट क्या है, मल्टीप्लिकेशन है, 3 1 से मल्टीप्लाई करके क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। फिर आपने n = 2 पुट करना है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये 2, 3 डॉट 2 की पावर क्या आ जाएगा, n-1 है, तो n की जगह पे क्या आ जाएगा, 2-1 करोगे तो 1 आ जाएगा। 2 की पावर 1 क्या है, 2, 3 × 2 करोगे तो 6 आ जाएगा। फिर उसके बाद हमारे पास क्या है, n = 3, तो n = 3 पुट करोगे तो क्या आएगा, A3 = 3.2³−1, तो 3-1 करोगे तो आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास, 2, 2 की पावर 2, 4 आ गया, तो 4 × 3 करोगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 12। सेम इसी तरह आपने n = 4 पुट करके भी हमने क्या करना है, ये आंसर फाइंड कर लेना है। तो ये हमारे पास जो A1, A2, A3 और A4 की जो वैल्यू आई है, ये हमारे पास क्या है, उसकी फर्स्ट 4 टर्म है सीक्वेंस। सो फर्स्ट 4 टर्म आर 3, 6, 12, 24। तो हमारे पास क्या आ जाएंगी, उसकी जो फर्स्ट 4 टर्म आ जाएंगी वो कौन सी है, 3 है, 6, 12 और 24 है। उसके बाद सेकंड पार्ट देखिए, हमारे पास क्या है, 4.2n^2n-1। यहाँ पे बेटा याद रखना आपने, ये जो डॉट है वो हमारे पास क्या है, मल्टीप्लिकेशन को इंडिकेट कर रहा होता है। तो यहाँ पे भी आपने उसी तरह n = 1, 2, 3, 4 अब जो है वो यहाँ पे पुट करना है। तो यहाँ पे आप देखो सेम उसी तरह आपने यहाँ पे पुट करते जाना है, पहले आपने n = 1 पुट करना है, फिर n = 2, फिर n = 3 पुट करना है, उसके बाद आपने n = 4 पुट करना है, और लास्ट में हमारे पास क्या आ जाएगा, ये फर्स्ट 4 टर्म जो है वो इसी तरह सीक्वेंस की आ जाएगी। तो ये आपने क्वेश्चन जो अच्छी तरह से देख लेना है और बाद में आपने इसको खुद ही इसको सॉल्व कर लेना है। नेक्स्ट हमारे पास इस क्वेश्चन का थर्ड पार्ट, An = 25.-1/2 और उसकी पावर n-1। यहाँ पे भी आपने पहले n = 1 पुट किया, 25 वैसे आ गया, -1/2 और n की जगह पे 1-1 आ गया, तो 1-1 करोगे 0, इसकी पावर 0 होगी तो आंसर 1 आ जाएगा। 25 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 25 A1 की वैल्यू आ जाएगी। फिर आपने n = 2 पुट करना है, तो 25 वैसे आ जाएगा, -1/2 भी वैसे, n की जगह पे यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2-1, तो 2-1 करोगे तो 1 आ जाएगा, तो इसकी पावर 1 होगी तो सेम यही आंसर आ जाएगा। आप 25 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो -25/2 सेम उसी तरह आ जाएगा। n = 3 उसके बाद आपने पुट किया, 25.-1/2 इसकी पावर n-1, तो n की जगह पे 3-2 करोगे तो 3-1 करोगे यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास, 2 आ जाएगा। ठीक है, अब -1/2 का स्केयर है तो माइनस का स्केयर होगा तो ये प्लस में होगा और 2 का स्केयर क्या आ जाएगा, 4। 21 4 के साथ 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा 25 और ये क्या आ जाएगा हमारे पास, डिवीजन में 4 आ जाएगा। उसके बाद आपने n = 4 पुट किया, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 25.-1/2 और उसकी पावर 4-1, तो 4-1 करोगे तो क्या आ जाएगा, 3,
तो यहाँ पे देखो माइनस की पावर क्या है, ऑड नंबर है तो क्या आ जाएगा, ये माइनस वैसे आ जाएगा, टू की पावर थ्री क्या आ जाएगा, आंसर एट आ जाएगा। तो 25 को 1 से मल्टीप्लाई किया 25 और डिवीजन में क्या आ गया 8, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, इसकी फर्स्ट फोर टर्म आ जाएगी इसी तरह।